हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया आज तो एक बहुत धमाकेदार न्यूज आई है पूरे वर्ल्ड में। ओ सब अभी बताती हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले ना ये कमरे में आए हैं, सुबह सुबह की बात है ये, तो ये कमरे के अंदर आए अर्ली मॉर्निंग और मुझे बोलते हैं आज की क्या क्या बोला तो धमाकेदार न्यूज है। क्या बड़े धमाकेदार न्यूज है, सुनी है क्या? मैंने कहा नहीं कौन। और ये मैंने सुबह जैसे मैं उठा था, मैंने आराम से न्यूज देखी तो हेडलाइन आ रही थी। नहीं फिर मैंने कहा कहते इंडिया, मैंने कहा क्या क्या, अब मुझे पता नहीं चले अच्छी धमाकेदार का मतलब है कि गंदी कोई न्यूज आई है। तो कहते इंडिया से, मैंने कहा इंडिया से कौन सी, मैंने कहा अच्छी है कि गंदी है, कहते बड़ी अच्छी है। मैंने कहा क्या है? इससे सबसे पहले मुझे लगा कि ये सारा कमाल मोदी जी की वजह से। हाँ, और उन्होंने इस फर्स्ट एप्रिसिएशन ये हुआ कि एक जबरदस्त जो है प्राइम मिनिस्टर, इतना एग्रेसिव कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया कर देगा ये। इट्स अमेजिंग। ये इन्होंने मुझे इमीडिएटली उस खबर बताने के बाद यही बोला कि ये सिर्फ ये मोदी जी का कमाल है, कोई नहीं कर सकता था। और उसके बाद एक डायलॉग भी मारा था बड़ा, क्या क्या वो क्या इंडिया का कुछ रिलेटेड क्या बोला था। नहीं फिर मैंने ये कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर पाकिस्तान भी चाइना से मांगेगा ना तो चाइना नहीं देगा। और क्या चाइना बोलेगा ये तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है, तुम्हें दे नहीं सकते। और ये चीज है, ये खुद बनानी पड़ती है। और अब पाकिस्तान के पसीने छूट रहे होंगे ये सुनकर, कांप रहे होंगे कि ये क्या हो गया। चाइना भी हो रहा होगा, इवन चाइना भी हो रहा होगा, बहुत जबरदस्त डेटरेंट आ रहा है। और ये सब मोदी जी का कमाल। अभी तक हम ब्रह्मोस करते थे, वो सुपरसोनिक थी, अब यही दुख होता था सुपरसोनिक है, बिग डील यार, चाइना के पास हाइपरसोनिक है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी, किसी और। अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब तुम बोलोगे हाइपरसोनिक है, इस न्यूज को सुन के वो वाली न्यूज वैसे ही लग रहा है कि वो रिपीट हो रहा है। जब 370 हटा था तब भी ऐसी सुबह सुबह उठे ये बोले, और मैं हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। इसका मतलब ये हो गया कि अब मिलिटरीली इंडिया को चैनल करना इतना आसान पर नहीं है। यू कांट चैलेंज इंडिया इतनी आसानी से। Yes, बहुत ही मतलब ही वो सो एक्साइटेड, इतना खुश। और सीधे ये न्यूज देने के बाद नेक्स्ट चीज इन्होंने बोली, वो बोला कि भैया ये मोदी जी का ही कमाल है। Correct. वो इंडिया को इतनी तेजी से आगे लेके जा रहे हैं, इन्होंने खुद अपने मुंह से मतलब उनको पता चल चुका है। और दूसरा वहां पे क्या कबाड़ हो रहा है कि रशिया ने आज जबरदस्त और अटैक कर दिया यूक्रेन पे। अच्छा, मेजर अटैक। ओह, पता नहीं 120-130 मिसाइल फेंक दिए, उनकी पावर ग्रिड को उड़ा रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर ट्रंप आए हैं, तो उनको यह कि जल्द जल्दी काम खत्म करो। क्योंकि ट्रंप आके, मुझे लग रहा है ट्रंप आके जो है वो बोलेगा कि अब पीस कर लो, तो उससे पहले हम जल्दी से जितना एरिया ले सकते हैं ले लें, क्योंकि मेजर पंगा पड़ा। वो ट्रंप तो ये कहेगा ना कि जितने रशिया ने ले लिया उसको, बस अब खत्म करो। वो साथ में पोलैंड है, उसको पसीने आ रहे हैं क्योंकि उसके बॉर्डर के पास लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसने अपने अपने एयरफोर्स के प्लेन्स भेजे फटाफट कि हमें हमारी धरती, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप ने तो आगे आके हेल्प करनी नहीं, अब नहीं तो नेक्स्ट लड़ाई हमारी जमीन पे भी आएगी। नहीं बड़ा तो मेजर चल रहा है भैया। बट ये जो न्यूज है, दिस इज अमेजिंग, दिस इज कमाल की यार, बहुत कमाल। सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशखबरी। और ये क्यों हो रहा है, जब दिख रहा है कि इंडिया जो है मून में भेज रहा है अपने व्हीकल्स को, वहां लैंड रोवर आ रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज वे एडवांस नाउ। नहीं मैं कह रही हूँ, हमने बोल के कि भैया इतनी अच्छी खबर है तो बता ही नहीं खबर है क्या। तो चल हम देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे फुल डिटेल्स किसके बारे में, इंडियाज हाइपरसोनिक टेस्ट जो कि सक्सेसफुल हुआ है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आते हैं, फिर आप अगर नहीं किया हुआ होता तो आप फिर पूछते रहते हो कहां गए, कहां क्यों आके नहीं, और वो दूसरे चैनल्स में रिएक्शंस होते हैं, फिर मुझे दूसरे चैनलों में भी लगाने पड़ते, फिर आप कहते हो मैम आपने रेपिटेशन क्यों कर दी वीडियोस की। तो भैया बड़ा कंफ्यूजन चलता है, इसलिए बेयर विद अस एंड बाकी दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं ये बिग न्यूज। भारत ने अपने नहीं पूरे एशिया के इतिहास का सबसे ताकतवर हथियार आखिरकार बनाकर तैयार कर लिया है, और अब से 11 घंटे पहले इसका टेस्ट भी सफल हो चुका है। यानी कि अब पूरे एशिया में सबसे ताकतवर हथियार भारत के पास है। लेकिन ये खबर 11 घंटे पहले आ गई थी, मैंने जानबूझकर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि चाइना में डाल रहे क्या देना चाहता था। ऐसा नहीं, बस आपको बता दिया टेस्ट सफल हो गया, ये खतरनाक हथियार है, ये फलाने देश को फाड़ कर रख देगा, ढिकाने देश को ये उखाड़ कर रख देगा, ऐसा नहीं। पूरी जानकारी
कि ये हथियार करता क्या है, कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है, क्या इसका हाइपरसोनिक है और सब बड़ी बात क्या है, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और भारत में ही पूरे एशिया के इतिहास के सबसे ताकतवर हथियार से मिलने के लिए तैयार है। दोस्तों ये वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं अब से कुछ ही घंटों पहले DRDO ने जारी किया है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही बटन दबाया तुरंत भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल, जी हाँ भारत का ये पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट हमने आज किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी शानदार तरीके से इसने उड़ान भरी और टारगेट को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसी के साथ भारत के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी आ चुकी है, यानी कि भारत एक हाइपरसोनिक हथियार धारक देश बन चुका है। और ये हाइपरसोनिक ऐसा नहीं जैसा ईरान के पास है, यमन के हूतियों के पास है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा है जैसे कि रूस के पास है, यानी कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर चाइना के पास भी है। इसके अलावा एक और झूठ से आपको मैं रूबरू करा दूं, सुबह से इंडियन मीडिया आपको बता रहा है कि भारत एक स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है, वो क्लब जिसमें सिर्फ वो देश शामिल हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं, और इसमें नाम गिनाए जा रहे हैं अमेरिका के, चीन के, रूस के, और फिर नाम लिया जा रहा है भारत का। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस धरती पर अब तक सिर्फ एक ही देश था जिसके पास असली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो टेस्ट सफल हो चुकी है, बल्कि युद्ध में भी इस समय लड़ रही है, वो है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें किंजल, एवनगार्ड और जिरकोन। इसके अलावा ना तो अमेरिका के पास ना चीन के पास ऐसी कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाँ इन्होंने हाइपरसोनिक टेस्ट जरूर किए हैं लेकिन दोनों अभी तक नाकाम हुए हैं, इसीलिए भारत किसी क्लब वलब में शामिल नहीं हुआ है। भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा देश बना है जिसके पास एक्चुअल में एक असली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट भी सफल हो चुका है। हालांकि कागजों पर चीन और अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, लेकिन ना तो उनके टेस्ट सफल हुए हैं, वो एक तरीके से कागजी घोड़े हैं, और अभी तक ऐसा मानकर चलिए कम से कम 2 से लेकर 3 साल लगेंगे चीन और रूस के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आने में। और आपको चीन और रूस के पास आने में कुछ ही महीने पहले दुनिया में हल्ला कटा था, भारतीय जनता को भी खूब डरा गया था भारतीय मीडिया द्वारा कि चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है, बस एक कमी है कि वो अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जा गिरा। आप अपने आसपास के शहरों और गांव का नाम याद करिए जो 40 किलोमीटर दूर है। अगर एक मिसाइल टारगेट आपको बना रही है और आपसे 40 किलोमीटर दूर जाकर गिर रही है, आपको कितना नुकसान होगा? जरा भी नहीं, क्योंकि अगर उस हाइपरसोनिक मिसाइल में आप परमाणु बम भी लगा दो तो परमाणु बम का भी डैमेज एरिया 20, 25, 30 किलोमीटर तक होता है, परमाणु बम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वो मिसाइल किस काम की जो निशाने से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। इसीलिए रूस के बाद भारत दूसरा देश बना है जिसके पास एक्चुअल में एक सफल हाइपरसोनिक मिसाइल है, चीन और अमेरिका के पास है कागजी घोड़े। इसी के साथ अब भारत के पास हो चुकी है पूरे एशिया की सबसे ताकतवर मिसाइल। जी हाँ रूस को हम अभी एशिया में नहीं गिनेंगे, उसे हम यूरोप में ही गिनेंगे। इसीलिए पूरे एशिया का जो सबसे ताकतवर हथियार है वो ये बन चुकी है इंडियन हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल, जिसे आप फिलहाल HGV कहिए। जी हाँ अभी तक इसका नाम तय नहीं किया है हमने, फिलहाल हम इसे कहेंगे HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। देखिए इस मिसाइल की जो फिलहाल टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि ये एंटी शिप की तरह काम करेगा, यानी कि जो हमारे कोस्टल एरिया हैं वहां पर सुरक्षा देगा, दुश्मन का कोई शिप करीब आता है उसे उड़ाएगा, कहीं ऐसी नेवल घेराबंदी है जिसे तोड़ना है हमें उसमें ये काम आने वाला है। मैं आपको उदाहरण भी देता हूं कि क्यों ये किसी देश की नौसेना के खिलाफ ज्यादा डेडली साबित होगी। दरअसल अगर आपको किसी दुश्मन देश की नौसेना के किसी शिप को, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना है, तो ऐसे में आपके पास अभी क्या ऑप्शन था, या तो हाइपरसोनिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जो दुश्मन का शिप होता है ना, वो एक मूविंग टारगेट होता है, वो एक जगह रुककर नहीं रहता, वो पानी में लगातार तैरता रहता है। ऐसे में एक मूविंग टारगेट को निशाना बनाना, उसे तबाह करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार बहुत ही कम होती है, जबकि शिप इतना उसके पास मिसाइल पहुंचेगी कम से कम 100 मीटर तक खिसक जाएगा,
उस समय उसे निशाना बना पाना बहुत मुश्किल होगा। हाइपरसोनिक के साथ ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ये आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज चलेगी। जी हाँ, जो हाइपरसोनिक कैटेगरी है उसमें अगर किसी मिसाइल को शामिल होना है ना, तो उसकी रफ्तार कम से कम 6000 किलोमीटर होनी चाहिए प्रति घंटा। लेकिन जो हमारी है ये, इसकी है 9 मैक, यानी कि 11113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सोचिए कितनी इनसेन स्पीड है, 11000 किलोमीटर प्रति घंटा, दुश्मन हिल भी नहीं पाएगा, उसे नष्ट कर देगी ये मिसाइल। और उससे भी खास बात है कि सिर्फ ये रफ्तार की वजह से खास है, दरअसल इस रफ्तार पर भी ये ग्लाइड करती है। मतलब कि अगर दुश्मन ने कहीं पर डिफेंस सिस्टम लगा कर रखा है ना, तो उसे ये ग्लाइड कर देगी, साइड से बाईपास कर देगी, और फिर दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि कोई मिसाइल आई भी थी। यानी कि दुश्मन का कितना भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, उसे ये बड़ी आसानी से भेद सकती है। यही कारण है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि ये अजेय हथियार हैं, यानी कि ऐसा हथियार जिसे हराया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए इस पूरे पृथ्वी पर हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा घातक हथियार कोई भी नहीं है, इसका मुकाबला असंभव है। और सभी भारतीयों को मैं इस समय बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे प्यारे देश के पास ये हथियार आ चुका है, हमारी सेनाएं ज्यादा सुरक्षित हो चुकी हैं, हमारा राष्ट्र और आक्रामक हो चुका है। भाई हम चाहे नंबर 2 हो या हम उस लिस्ट में आगे हो जिसमें क्या बोल रहे थे, ये यूएसए, रशिया और चाइना है, वो दोनों बातें ही अच्छी हैं अपने देश के लिए, क्योंकि हम हाइपरसोनिक जो है बना दिया हमने, और बेस्ट है कि खुद बनाया है अपना, थोड़ा धड़ ऐसे बना सकते हैं जितने हमें चाहिए, जब भी लड़ाई हो या कुछ हो, और दुश्मन का बाजा बजा सकते हैं। मैं तो वो सोच के भैया, मैक्सिमम इंपैक्ट जो है पाकिस्तान पे होगा। और चाइना, चाइना पे भी, चाइना तो सोच रहा था ना कि मेरे पास है, इंडिया के पास तो है नहीं, मैं ताकतवर हूँ, अब उसको उसको धक्का लगेगा। अब इंडिया जो है फॉर्मिडेबल एनिमी बन रहा है, मैं तो वेट कर रहा हूँ जब इंडिया एक ऐसा वेपन बनाएगा जो चाइना के पास। अब वो भी दिन दूर नहीं, अभी हम कुछ साल पीछे चल रहे हैं, बहुत कैचअप कर लिया है मोदी जी ने। अगला स्टेप होगा ऐसा वेपन जो चाइना के पास नहीं होगा, मोदी जी एंड गेम है, बस फिर चाइना की एंड गेम है। वाह यार, देखना ऐसे ही अगर ठीक वोटिंग करते रहे तो कितना आगे इंडिया बनेगा, कमाल है, दिस इज माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल। इतनी खुशी है कि भाई हर इंडियन को प्राउड फील होना चाहिए। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।